Question number 2. The following table shows the amount of rice grown by a farmer in different years. So year 2000 के अंदर rice grown थे 200, 2001 में 180, 2002 में 270, 2003 में 260, 2004 में 250, 2005 में 200 और 2006 में 270. तो अब यहाँ पे year जो है वो है independent variable, rice grown है वो है dependent variable, ठीक है? तो अब x इसीलिए अपन ने x एक्सिस के ऊपर तो ले लिया ईयर को, y एक्सिस के ऊपर ले लिया राइस राइस ग्रोन को, ठीक है? राइस ग्रोन क्विंटल्स के अंदर हमें दे रखा है. और सबसे पहले x एक्सिस के ऊपर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ईयर, ये स्केलिंग कर दी, जो 2 सेंटीमीटर वो 1 ईयर के बराबर होगा. और y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 क्विंटल, अब अपन ने यहाँ पर 20 क्विंटल ले लिया y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है? जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ओरिजिन है, वो हम अपन ने मान लिया 1999.160. इसका क्या मतलब हुआ, जो एक्स एक्सिस पे स्टार्टिंग है ओरिजिन के ऊपर वो है 1999, और जो वाई एक्सिस की स्टार्टिंग है वो है 160, ठीक है? अब अपने हमें प्लॉट करना है कुछ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006. टोटल हमें 7 पॉइंट्स को प्लॉट करना है. तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर प्लॉट कैसे करेंगे. तो पहला पॉइंट है 2000, 200. तो पहले हम x एक्सिस के अलॉन्ग गए 2000, y एक्सिस के अलॉन्ग गए 200, तो पॉइंट आ गया 2000, 200. सेकेंड पॉइंट है 2001, 180. पहले x एक्सिस के अलॉन्ग गए 2001, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग गए 180, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 2001, 180. थर्ड पॉइंट है 2002, 240. पहले x एक्सिस के अलॉन्ग गए 2002 तक, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग गए 240 तक, तो पॉइंट आ गया 2002, 240. फोर्थ पॉइंट 2003, 260. तो पहले 2003 तक गया x एक्सिस के अलॉन्ग, फिर 260 गए y एक्सिस के अलॉन्ग, पॉइंट आ गया 2003, 260. फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2004, 250 फिफ्थ पॉइंट, राइट? तो पहले हम x एक्सिस के अलॉन्ग गए 2004 तक, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग गए 250 तक, पॉइंट आ गया 2004, 250, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 2006, 270. इसके लिए पहले हम गए 2006 तक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग गए 270 तक, हमारे पास में पॉइंट आ गया 2006, 270. फिर हमने इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और हमारे पास में ग्राफ आ गया. अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज.